राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। एक घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। यह बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ, दूसरी ओर नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।